फ्रेंड्स वेलकम टू में चैनल गाइस स्वागत है आप लोगों का मेरे शायर में सो गाइस जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो गाइस देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जाओ कि सोके गाइस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जैसे कि आपको पता है इन्वेस्टर्स गाइस सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि स्टॉक्स मार्केट और स्टॉक है क्या देखिए स्टॉक मार्केट के बारे में अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता है यानी कि यह ऐसी कम जगह है जहाँ पर शेयर्स मतलब किसी कंपनी का ऑनरशिप का प्रमाण होता है जब आप किसी कंपनी के स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का एक छोटा हिस्सा खरीदते हैं जब कंपनी अच्छी तरह से चल रही होती है और उसका प्रॉफिट बढ़ता है तो उसके स्टॉक का जो भाव भी बढ़ जाता है जब आप अपने स्टॉक्स को बेचते हैं तो आप उस समय के भाव पर पैसा मिलता है ये चीज़ समझ में कहते हैं रिटर्न मिलता है क्यों मान लीजिए कोई चीज़ आपने सौ रुपये की खरीदी है लेकिन जब आप बेच रहे हो तो वो दो सौ की या पाँच सौ की होगी तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ही प्रॉफिट होगा एंड उसके अकॉर्डिंगली ही उसका जो भाव बढ़ा होगा प्राइस बढ़ा होगा तो आपका रिटर्न भी उतना ही मिलेगा देखिए स्टॉक मार्केट एक, एक ऐसी जगह होती है जहाँ स्टॉक्स ख़रीदे और बेचे जाते हैं ये मार्केट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी होती है देखिए जिनको नहीं पता उनके लिए बेसिकली बता रही हूँ फिजिकली लोकेशन पर भी है जैसे कि आप एन एस सी बी एस सी की साइड जैसे कि आपको पता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे देखिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक तरीका है पैसा बनाने का लेकिन इसमें रिस्क भी होता है स्टॉक मार्केट के अंदर भाव दिन हाई मतलब एक हर डे कहीं ना कहीं उसके जो फैक्टर्स होते हैं उसकी परफॉर्मेंस होती है वो और जो ग्लोबल क्यूज चल रहे होते हैं एंड पॉलिटिकल चीज़ें चल रही होती है उस पर बहुत ज़्यादा असर डालती है जिसमें इन्वेस्टर्स को इन सब का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अगर आप इन्वेस्टर्स हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो ये सब चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है guys, लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अपनी धन को मतलब अपनी मनी को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन इसमें समझदारी और रिसर्च की ज़रूरत होती है आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स रिस्क टॉलरेंस और मार्केट ट्रेंड्स को ध्यान में रखकर ही स्टॉक्स का सिलेक्शन करना चाहिए ऐसे ही गैस आज मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड यू कैन से जो कि माइक्रो कैप है ठीक है कुछ आपको पैनी स्टॉक भी लगेंगे तो आपको इन कंपनीज में थोड़ा सा ध्यान देना है आपको खुद से गए आप कह सक आप खुद से गए चीज मतलब सोच भी सकते हैं और ये चीज़ें आप कह भी सकते हैं लाइक like, हाँ ठीक है आपको देखिए कंपनी का चार्ट पता आना चाहिए कंपनी का फंडामेंटल को पता होना चाहिए कंपनी करती क्या काम है एक्चुअली में कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है वो अगर स्ट्रांग है तो नो डाउट गाइस आप इजीली उसके अंदर इन्वेस्ट करके चल सकते हो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हैं ठीक है ठीक सबसे पहले मैं स्टॉक्स के बारे में तो बताऊँगी लेकिन आपको मेरी वीडियो पर एंड तक बने रहना पड़ेगा अगर आप अपनी पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाहते हैं और अच्छी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करना चाहते हैं ठीक है हमेशा हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई पे होना चाहिए गाइज मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपने पोर्टफोलियो में बस माइक्रो कैप पैनी स्टॉक ही भर लो अगर मान लो मार्केट कैश होती है तो सबसे पहले यही गिरेंगी इसमें इम्पैक्ट पड़ेगा तो इसलिए पोर्टफोलियो में आपके मिड कैप स्मॉल कैप पैनी एंड लार्ज कैप ये स्टॉक्स होने चाहिए ताकि आपका पोर्टफोलियो बैलेंस में रहे डिसबैलेंस ना हो सबसे पहले तो गैस एक लेटेस्ट न्यूज निकल कर आई है कि टाटा मोटर्स जो मतलब उसने अपनी टाटा मैजिक वैन्स सेल कर दिए कितने में फोर लाख में एंड वो लॉन्च एक और चीज़ वो लॉन्च करी न्यू मैजिक बाई बी आई फ्यूल वेरियंट उसने न्यू लॉन्च भी करी है ठीक है एंड वहीं टेस्ला के बारे में ये सुनने को मिलता मतलब है कि टेस्ला आपको पता है पहले मैं ल, वो क्या कहते हैं मस्क आने वाले थे अभी बाईस थे के दौर पर लेकिन वो रद्द हो गया एंड ये भी सुनने में आया कि जब टेस्ला अपनी कंट्री में आ जाएगा तो बीस या पच्चीस लाख में गाड़ियाँ बेचेगा इंडिया के अंदर और अगर ऐसा बेचता है तो आपको पता टाटा मोटर्स क्या करेगा वो भी इसी के कॉम्पिटिटर में रहेगा जब गया मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगी अगर कोई भी कंपनी किसी चीज़ को सस्ते में बेच रही है तो उसके रिवेन्यू और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पे बहुत इफेक्ट असर पड़ता है बहुत इफेक्ट करती है तो इसलिए कभी भी आपको ये नहीं सोचना कि अगर इसका क्वार्टर के रिजल्ट आपको ख़राब नज़र आते हैं तो इट मीन्स कंपनी खराब है आपको पीछे की क्यूज़ देखने पीछे क्या ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कराई जिसका इम्पैक्ट उसके स्टॉक पर पड़ा है ठीक है ये सब चीजों को ध्यान में रख रहे हैं अब एलोन मस्क ने क्या करा है गाइज इन्होंने रेट कट कर दिया अपनी ईवी चार्जेस जो गाड़ियाँ थी उनके कहा जर्मनी में कितने डेढ़ लाख तक के ठीक है नियरली अबाउ देखा जाता है अब वही टेस्ला ने जिस तरीके से क्यों करा है कॉम्पिटिशन ऑफ हीट जो कॉम्पिटिशन चल रहा है उसकी वजह से उन्होंने अपने डेढ़ लाख गाड़ियों के कम से कम रेट कट करे हैं ठीक है टू नियर डेढ़ लाख फाइंड आउट ठीक है आप पढ़ सकते हो गाइज वहीं देखा जाता है कि पैन स्टॉक जो कि मैंने आपको बताया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें पता होना चाहिए हमें किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है साथ के साथ गए स्टॉक एक तरीके से स्क्रैप का काम करते हैं ठीक है मतलब आप उसको स्क्रैप के तौर पे ले सकते हो तो वो होता है ना कोई चीज़ें ऐसी होती है जो आपको घर में कबाड़ भी रखा होता तो है लेकिन आपको प्रॉफिट दे जाता है ठीक है ऐसे ही कुछ स्क्रैप में आप ले सकते हो क्योंकि गए इनका पता क्या चार्ट ना इनका लाइक ऐसे होता है बढ़ता भी ऐसे और गिरता भी ऐसा मतलब आपका सौ परसेंट मनी का फिफ्टी परसेंट पर रह जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा रातों रात में इसलिए इन स्टॉक में इन्वेस्ट करते हुए रिस्क उतना ही ज्यादा होता है जितना ज़्यादा उसका प्रॉफिट होता है ठीक है अब जैसे कि एक कंपनी है जिसको पचास करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है एंड कहाँ से मिला है एग्रो प्रोडक्ट डिविजन से तो so, कैसे उस कंपनी का नाम क्या है देखिए विकास लाइफ केयर इस कंपनी का नाम है विकास लाइफ केयर और आज के दिन इसके अंदर आप देख सकते हो अपर सर के लगता हुआ देखने को मिला पाँच परसेंट का पिछले सिक्स मंथ में इसने पंद्रह परसेंट का रिटर्न दिया एक साल में ये तीन रुपये पे था गाइस और अभी पाँच रुपये चालीस परसेंट पर चले इकहत्तर परसेंट का रिटर्न दे चुका है पांच साल में दो रुपये पैसे पे दो हज़ार इक्कीस में एंड एक सौ तीन परसेंट का रिटर्न दे चुका है अगर मैं मैक्सिमम अगर देखिए आप इसका मार्केट कैप देखोगे नौ सौ करोड़ की कंपनी है बस मात्र एंड इंडस्ट्री पीस का थर्टी फाइव है और स्टॉक भी गाइस इसमें भी देखने को नहीं मिलता एंड आर ओ सी आर ओ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है गाइस यही एक रिस्क की पार्ट रहता है एंड मेन बात प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें कितनी कम है बस एफ आई आई है जिसकी वजह से स्टॉक में एक तेजी देखने को मिली है पब्लिक की होल्डिंग भी कम नज़र आती है तो गाइस ये रीजन रहता है कि आपको विकास लाइफ केयर के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है ऐसे कि विकास लाइफ केयर एक फार्मेक्चुअल कंपनी है जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाती है एंड ये कंपनी मेडिसिन सप्लीमेंट्स और अदर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है विकास लाइफ केयर के प्रोडक्ट क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी के लिए जानी भी जाती है एंड इसी कंपनी का उद्देश्य कि इस अच्छी सेहत और वेलनेस को एसेसबल बनाने का है उनकी प्रोडक्ट्स हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक फार्मेसीज और जनरल कंज्यूमर्स तक पहुँचाती है एंड लाइफ केयर अपने कस्टमर्स के लिए हाई क्वालिटी और रिलाइबल हेल्थ केयर सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराती है तो गई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नजर आती है कंपनी का फंडा एंड कंपनी का मॉडल बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है जो एक अफोर्डेबल है तो गाइस ठीक है थोड़ा बहुत तो अप डाउन चलते रहते हैं लेकिन हाँ आप कह सकते हैं अभी नौ सौ करोड़ की कंपनी है तो अभी इसको हज़ार करोड़ होने में टाइम है लेकिन जैसे भी हज़ार दो हज़ार करोड़ की होती तो आपका पैसा डबल जरूर करेगी वहीं साथ ही साथ बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में तो गई नेक्स्ट कंपनी हमारी निकल के आ रही है इरेडा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप एजेंसी तो कैसे इरेडा में क्या देखने को मिला एक्चुअल में क्या है इरेडा पे ना अभी इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट काफ़ी सही देखने को मिलते हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिली एंड पे भी इनका कम हुआ है ठीक है एक्चुअल में क्या है जो फिल्प कैपेट है ना उसने इसको एक तरीके से डाउन साइड वाली रेटिंग दी है डाउन साइड वाली रेटिंग के बाद उन्होंने कहा है कि इसका प्राइस एक सौ तक भी गिर सकता है एंड पहले अस्सी था रीज़न बताया है कि लो क्रेडिट कॉस्ट मीडियम टर्म में एंड कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से मतलब ये चीज़ें हो सकती हैं एंड लोन ग्रोथ ठीक है ट्वेंटी फाइव परसेंट कम्पाउंडेड हुई है बट कैसे पॉजिटिव नहीं देखने को मिलता क्योंकि इसका प्रेशर माइजन पे बहुत ज़्यादा सा देखने को मिलता है एंड साथ के साथ देखोगे तो पच्चीस छब्बीस तक ग्रोथ होना एक तरीके से जिस तरीके से लोन ये चीज़ें चल रही है तो बहुत मुश्किल हो जाती है ठीक है एंड गाइस देखिए कि लोन ग्रोथ इज़ हाई बट रिटर्न रेशियो बहुत ज़्यादा एक मॉडरेट हो रहा है बहुत ज़्यादा एक्सपोजर उसमें नहीं है ये चीज़ें जो होती है ना बहुत अब टू पॉइंट टू परसेंट तक इसका डिक्लाइन देखने को एसेट के, के रिटर्न के अंदर एंड और तो और इसके अंदर एफ आई डी आई पैसा निकाल रहे हैं सो गाइज ये रीज़न है इसको एक तरीके से डाउन रेटिंग देने का तो इट मीन्स आपको इसके अंदर कट ऑफ देखने को मिल सकता है तो आपको थोड़ा सा सिक्योरली साइड पर रहना है इन्वेस्ट करके नहीं चलना है चीज़ें जब तक पॉजिटिव इसके अंदर नहीं देखने को मिलती कहीं आप पता चले ये रेटा नाम सुन के हाँ देखिए जितना अच्छा रिटर्न देना था उसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुकी है कंपनी एंड नाउ इट्स टाइम तो आपको पता है जब कोई कंपनी ज़्यादा ऊपर चढ़ती है तो उसको गिरने का भी टाइम आता है तो वो चीज़ इसके अंदर चल रही है तो इसलिए एफ पैसा निकाल रहे हैं तो एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट है ठीक है तो आपको और ऊपर से जो सबसे बड़े एनालिस्ट हैं वो इसको अगर डाउन रेटिंग दे दें तो ऐसे ही में लोग ज़्यादातर तो अपना पैसा सिक्योर प्रॉफिट सिक्योर करके निकालना ज़्यादा पसंद करते हैं तो स्टॉक का प्राइस जब प्रॉफिट बुकिंग होती है तो स्टॉक का प्राइस गिरता ही है तो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको ये सब देखिए माजागॉन डॉक माजागॉन डॉक के अंदर भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी टेन परसेंट का स्टेक भेजेंगे क्यों इसके अंदर प्रमोटर्स के पास स्टेक काफ़ी ज़्यादा है ठीक है और एफ आई एफ आई जा रहे हैं इसके अंदर एंड आपको पता है हमेशा बोला गया है कि सेवेंटी फाइव परसेंट तक का स्टेक होना चाहिए प्रमोटर के पास और तो तीन साल मिलते हैं प्रमोटर उसको अपने स्टेयर बेचने के लिए जिसके लिए वो ऑफर फॉर सेल लेकर आते हैं तो कैस आपको ऑफर फॉर सेल देखने को मिल सकता है माजागोन डॉक के अंदर क्योंकि वो अपना शेयर बेचेंगे एंड उनको कम से कम दस परसेंट का शेयर बेचना है तो इसका कम से कम एटी फोर एटी फाइव या सेवेंटी फाइव समथिंग इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग रह जाएगी ठीक है अब बात करते तो हैं पवन इंडस्ट्री की पवन इंडस्ट्री पवाना इंडस्ट्री का वो इंडस्ट्री है जो कि इलेक्ट्रिकल पार्ट्स बनाती है जिसने अभी इसका एक एग्रीमेंट हुआ है ओला के साथ कि वो ओला कंपनी की जो भी जो कार्ड्स वार्ड्स हैं उनका पार्ट्स बनाएगी ठीक है तो ये काम करूँगी पवाना इंडस्ट्रीज तो इसका शेयर भी आपको आने वाले टाइम में काफ़ी फोकस और ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है अगर आप इसकी प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो वो भी हमें डे बाय डे इंक्रीज मतलब सॉरी इसकी भी प्रॉफिट ग्रोथ ईयर टू ईयर इंक्रीज हो रही है तो गाइज देखिए ईयरली जो प्रॉफिट ग्रोथ इंक्रीज़ हुई है तो एक तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है स्टॉक के ऊपर और उसको और स्ट्रॉन्ग बना देता है फॉर द बाइंग पर्पज से सो गाइज अब नेक्स्ट कंपनी जो निकल कर आती है उसमें आज के दिन पाँच परसेंट का तेजी देखने को मिल रहा है स्टॉक आप देख सकते हो अब पर के लग गया है ठीक है पाँच सौ बाईस रुपये नब्बे पैसे पे चढ़ कंपनी का नाम है पिकार्डली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसमें अगर मैं चार्ट मैं का बताऊँ छः महीने में से एक सौ का रिटर्न दिया गया बहुत बड़ा और एक साल के अंदर हज़ार का रिटर्न बहुत कम कंपनीज देती हैं ऐसा रिटर्न गईज एंड चार हजार माँ चार हज़ार करोड़ की कंपनी है पाँच साल में से चार हज़ार परसेंट का रिटर्न दिया है एंड जैसे कि आप देख रहे हो Uh, ये पिकार्डी कार में इसका इस्टेब्लिश हुआ था ठीक है ऑपरेशन इसका 1997 सेवन में था एंड लेटर दो हज़ार सात में इसका पेल है सेटअप हुआ था ठीक है गाइस मार्केट गैप जैसे मैं लगता है कोई ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है चार हज़ार करोड़ तक की कंपनी है इसका अगर आप देखोगे स्टॉक पीस फिफ्टी सिक्स है आर ओ सी आर काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं इंडस्ट्री पी अगर देखा जाए तो थर्टी टू है मतलब आप कह सकते हो ये ओवर वर्ल्ड जोन पे है एंड इसका प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है कंपाउंडिंग ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है अब आते हैं प्रमोटर होल्डिंग जो कि काफ़ी अच्छी है डी एस की बड़ी है एंड पब्लिक की हल्की सी ट्रेम हुई है गैस पिकार्डली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक भारतीय कृषि उद्योग कंपनी है जो कि कृषि उत्पादनों के उत्पादन मार्केटिंग और बेचने में जितने रूप से मतलब तरीके से व्यस्त है एंड ये कंपनी के मुख्य उद्योग एंड आप कह लीजिए जो शक गन्ना हो गया चावल हो गया मक्का हो गया इन सब चीज़ का प्रोडक्शन करती है एंड पिताटी एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड के प्रोडक्ट्स को देश भर में बेचा जाता है और ये अपने जो गुडविल है उसकी और जो अपनी चीज़ों की गुणवत्ता है उसको बढ़ाने के लिए उसके प्रति खेती जो भी उपलब्ध करानी होती है फार्मर्स के लिए ये सब चीज़ों का एक तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करती है अनेक चीज़ें जानी भी जाती है ठीक है इस कंपनी का जो मुख्य पर्पज़ है कृषि उद्योग को मॉडर्न तरीके से बढ़ावा देना और जो फार्मर्स हो उनको अधिक लाभ प्रदान करना कार्डिल गौरव इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कृषि उद्योग में अपनी प्रतिभा एंड दो प्रतिष्ठा है वो बहुत अच्छी से बनाए रखी है एंड वो अभी तक उन्होंने काफ़ी अच्छी मेंटेन करी हुई तो गैस यही रीज़न है स्टॉक में अभी तक प्रोमोटर की होल्डिंग इतनी देखने को मिलती है गैस बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी जो क्या है क्वालिटी फॉर्म एक्चुअल क्वालिटी फार्मेक्चोर में भी आज आने पाँच परसेंट का अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल रहा है जैसे कि आप देख ही सकते हो स्क्रीन पे एंड अगर मैं इसका सिक्स मंथ बता। का बताऊँ फिफ्टी परसेंट का उसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है तो सभी फिफ्टी परसेंट का डिस्काउंट भी मिल रहा है एक हज़ार एक सौ चौस परसेंट का रिटर्न दे रही है साल के अंदर एंड मैक्सिमम दे देखा जाता है दो हज़ार सोलह में बाईस रुपये लिस्टेड हुई थी दो हज़ार परसेंट का रिटर्न दे चुकी है केस क्वालिटी फार्मेक्चुअल एक प्रसिद्ध फार्मेचल कंपनी है जो कि मेडिसन्स और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाती है ये कंपनी मेडिसिन का उत्पादन करती है जो लोगों के सेहत को बेहद मतलब बेहतर बनाने में मदद करते हैं क्वालिटी फार्म एक्चुअल के प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी और अफोर्डेबल होते हैं जिससे उनका उपयोग आम लोग भी कर सकते हैं इस कंपनी के उद्देश्य हैं लोगों तक अच्छी क्वालिटी के मेडिसिन पहुँचाना और उनकी सेहत की देखभाल करना क्वालिटी फर्मेक्चुअल अपने एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ और रिसर्च के माध्यम से नए और बेहतर मेडिसिन डेवलप कराती है उनके प्रोडक्ट्स हॉस्पिटल्स क्लिनिक फार्मेसी और जनरल कंज्यूमर्स तक पहुँचती है क्वालिटी फार्मेक्चुअल्स एक विश्वसनीय और प्रसिद्ध नाम वाली हेल्थ केयर इंडस्ट्री है तो गाइस इस स्टॉक का ध्यान में रखकर चल सकते हो नेक्स्ट आपका अगर इसका प्रॉफिट बताऊं काफ़ी अच्छा इसने इम्प्रूव किया है बट हल्का से यहाँ पर कम देखने को मिला है गैस अब नेक्स्ट कंपनी निकल के थे जेजी जी केमिकल्स जे केमिकल्स में देखिए आज के दिन जीरो पॉइंट एटीन परसेंट की तेजी है वन मंथ में नाइन ट्वेंटी नाइन परसेंट का रिटर्न दिया है एक साल में पच्चीस परसेंट का रिटर्न देखने को मिलता है एंड मैक्सिमम देखा जाता है कि गैस अब इसको साल नहीं हुआ है जो कि आपको मैं यहाँ बता रही हूँ एक साल में ये अभी जस्ट हाल फिलहाल में पन्द्रह मार्च को लिस्टेड हुई एक सौ चौरानवे रुपये पे एंड अभी तक इसने मतलब इसनेसेंट तक का रिटर्न दिया जे जी केमिकल लिमिटेड एक भारतीय रसायन उद्योग कंपनी है जो केमिकल्स के प्रोडक्शन मार्केटिंग और बेचने में बहुत रूप से एक तरीके से अच्छी कंपनी देखने को मिलती है मेरी कंपनी एक मुख्य उद्योग एंड इंडस्ट्री कमर्शल एग्री केमिकल्स जे जी केमिकल्स लिमिटेड के प्रोडक्ट्स को देश भर में और इंटरनेशनल स्तर पर बेचना जा, जा, बेचते हुए जाना जाता है एंड इस कंपनी मतलब केमिकल्स के जो प्रोडक्ट्स है, हैं इंटरनेशनल लेवल पे बेची जाती हैं चीजें एंड इस कंपनी का उद्देश्य जो भी रसायन उद्योग हैं उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना एंड उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना उसका अच्छा खासा निर्माण करना है जैसे केमिकल समेटिंग ने अपनी जो भी प्रतिभा होती है एंड प्रतिष्ठा उसको बहुत अच्छे से बरकरार रखा हुआ है एंड अपने प्रोडक्शन की वृद्धि की है और उनकी प्रोडक्ट का उपयोग विभिन्न कंपनीज में जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया जो बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं उसमें एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चर फार्मा होता है ठीक है उसमें यूज़ हो रहा है जे जे केमिकल्स लिमिटेड एक विश्वसनीय और प्रसिद्ध नाम वाली रसायन उद्योग वाली कंपनी है ये जब नेक्स्ट कंपनी जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर किसी ने इस पॉइंट पर बाई किया होगा उसको थर्टी का रिटर्न मिला होगा तो ये लेवल का इस कितना था ये पहले देख सकते हो आप इस लेवल पर जो ये मिल रही है ठीक है एंड ई पैक ड्यूरेबल की बात करूँ छः परसेंट की तेजी देखने को मिले अपर से लगता हो देखने को मिले ये इस पॉइंट पे आप देख लो दो सौ चार रुपये पे देखने को मिले अभी दो फरवरी में आई है दो सौ चार रुपये पे ठीक है फिर से उसी पे देखने को मिलती है एंड इस लेवल पे अगर किसी ने भी अगर यहाँ पर लिया होगा अट्ठाईस मार्च को पैंतीस परसेंट का रिटर्न मिल चुका होगा जैसे कि आप जबकि आप देख लो जीरो पॉइंट थर्टी परसेंट सेवन परसेंट का एक सौ इक्यावन मतलब डेढ़ सौ रुपये स्टॉक प्राइस आया था अब ई पैक ड्यूरेबल के बारे में बात करूँ तो गाइस देखिए इपैक ड्यूरेबल ये एक है प्रसिद्ध भारतीय कंपनी है जो कि प्री फेब्रिकेटेड बिल्डिंग और इंस, जो इंसॉल्टेड पैनल्स होते हैं उसका निर्माण करती है कंपनी हाई क्वालिटी और ड्यूरेबल हाउसिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो तेजी से जो बढ़ते कंस्ट्रक्शन है इंडस्ट्रीज हैं उसको इंपॉर्टेंट देती है ठीक है ईपेट ड्रोरेबल सोल्यूशन का प्रोडक्ट इंक्लूड प्री फेब्रिकेटेड स्ट्रक्चर इंसॉलेटेड रूफ पैनल्स हो गए इंसॉल्ट इन्स, जो इंसॉल्ट करते हैं वॉल वा, पैनल्स और अदर बिल्डिंग मटेरियल्स के अंदर ठीक है इपेक की एक योजना है कि वो हर प्राकृतिक संकट से मतलब जो नेचुरल अदिज, डिजास्टर अदिज, उसको बचाव करना एंड संभावनाओं को बढ़ावा देना मतलब जो भी चीज़ें होती हैं ना कि होने वाली होती है तो उसको थोड़ी देखना मेंटेन करना सस्टेनेबल विकास को अपने जो हमारे विकास है उसको प्रोत्साहन देना ठीक है ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंपनी का, का मोटिव है उद्देश्य है उनके प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली हैं एंड कस्टर प्रोसेस बड़ा फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है एंड इसी तरह से इपेक ड्यूरेबल सोल्यूशन ने आज के मॉडर्न समय के अनुसार जितने भी आप आपके लिए सिस्टेबल हाउसिंग है उन सबको आवश्यकताओं को पूरा करने में और एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा भी की है ठीक है नेक्स्ट बात बात करते हैं गैस कंपनी निकल कर आती है हमारी अपार इंडस्ट्रीज अपार इंडस्ट्री में आज के दिन टू परसेंट की तेजी है एंड गाइस सिक्स मंथ में फोर्टी फोर परसेंट की तेजी देखने को मिलती है एक साल में वन सिक्सटी फोर परसेंट की तेजी देखने को मिलती है और चार्ट देखो कितना अच्छा है है ना गाइस एक हज़ार परसेंट का रिटर्न देखने को मिल रहा है गाइस वहीं ये दो हज़ार चार में लिस्ट हुई थी छत्तीस रुपये में एक इसकी न्यूज़ ये निकलने को मिलती है कि सऊदी अरेबिया में अपनी सब्सिडरी ओपन कर रहे हैं इस अपार इंडस्ट्री में तभी इतना एक पॉजिटिव मोमेंट बना हुआ है देखिए अपार इंडस्ट्री लिमिटेड एक भारतीय कंपनी है जो वेरियस सेक्टर्स में अपना आप लगा लीजिए कि सॉल्यूशन और एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है ये कंपनी का जो मुख्य उद्योग है जो मुख्य फैक्टर है वो ट्रांसफॉर्मर ऑयल्स ऑटोमेटिव इंडस्ट्रियल ऑयल्स और स्पेशलिस्ट केमिकल्स इंक्लूड करती है अपार इंडस्ट्री का मुख्य उद्देश्य है है हाई क्वालिटी और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स सर्विस का निर्माण करना एंड उनकी कस्टमर्स नीड्स को पूरा करना एक्सपेक्टेशन के पे पूरा खड़ा उतरना अपा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का उपयोग विभिन्न uh, उद्योगों जैसे कि पावर ऑटोमेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर और कंज्यूमर गुड्स में होता है ठीक है उनकी ट्रांसफॉर्मर ऑयल्स और अदर एनर्जी रिलेटेड सॉल्यूशंस पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन एक्टर्स के लिए भी असेंशियल होता है इसलिए गए इस स्टॉक का प्राइस आपको इतना मतलब महंगा देखने को मिलता है सात हजार तक का ठीक है सात हज़ार पाँच सौ तक का एंड इसके अलावा देखिए पावर सेक्टर से रिलेटेड होगी ना कि ऑटो सेक्टर से रिलेटेड गई ट्रांसफॉमर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होगी पावर के गाइस इसके अलावा अपार इंडस्ट्री लिमिटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल कन्वर्जेशन की अगर बात करूँ तो उस पर एक विशेष ध्यान दिया है उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और प्रोडक्ट्स एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं जिससे कि उनका कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाता है नेचुरल रिसोर्सेज के बेहतर यूटिलाइजेशन भी होते हैं एंड अपार इंडस्ट्री लिमिटेड एक मुख्य उद्योग कंपनी है जो कि अपनी सोल्यूशन एनर्जी सोल्यूशन में अपनी प्रतिभा को अच्छे खासे से गैस मेंटेन करके चल रही है सो गाइस नेक्स्ट कंपनी हम निकल के आती है रेड टेप रेड टेप के बारे में अगर मैं बताऊँ तो गाइस जैसे कि आप देख लो आज के दिन डेढ़ मतलब दो परसेंट की थोड़ी तेजी देखने को मिली है एंड सिक्स मंथ में फोर्टी थ्री परसेंट का रिटर्न दिया है और तो देखोगे अगर आप पिछली मैक्सिमम देखा जाता है कि दो हज़ार तेईस के अंदर आई थी अगस्त में ठीक है उसने फोर्टी फोर परसेंट का रिटर्न दिया अब इसके बारे में न्यूज़ क्या निकल रहा थी कि इसका एक पार्टनरशिप हो रहा है ई कॉमर्स एनेबल इजी कॉम से इस ड्रैक्टिव एक ब्रिटिश ब्रांड है जो कि हाई क्वालिटी कंपनी जो कि हाई क्वालिटी फूडबियर एंड अपरेबल जो अपैरल के लिए जानी जाती है यानी कंपनी स्टाइलिश और कंफर्टेबल शूज बूट्स एंड सैंडल्स अदर फुटवेयर प्रोडक्ट्स बनाती है रेड टेप की प्रोडक्ट्स का डिज़ाइन कंटेम्प्रेरी और डिज़ाइन फैशन फॉरवर्ड्स होता है जो कि फैशन कंसाइंस एंड कंज्यूमर्स के लिए आकर्षित होता है रेड टेप का उद्देश्य यह है कि हाई क्वालिटी और स्टाइलिश फुटवेयर को असेसबल बनाने का जैसे कि लोग फैशन की और कंफर्ट दोनों की जरूरतों को पूरा कर सके एंड इस कंपनी के प्रोडक्ट्स का उपयोग कैजुअल वियर फॉर्मल वियर एंड आउटडोर एक्टिविटीज में होता है उनका फूडवियर फुडवियर सॉरी ड्यूरेबल और कंफर्टेबल होता है जिससे कि लॉन्ग लास्टिंग और इंजॉयबल वियरिंग एक्सपीरियंस हो जाता है इस कंपनी के लिए देखिए रेड टेप के प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हैं और उनका ब्रांड इमेज हाई क्वालिटी और रिलाइबल है इस कंपनी की वाइडियंस ऑफ फुटवियर ऑप्शन और कंस्टेंट इनोवेशन ने उन्हें फुटवीयर इंडस्ट्री में एक प्रमुख स्थान भी दिया है तो आप समझ गए कि इसका स्टॉक क्यों जरूरी होगा फॉर द बाइंग अब नेक्स्ट कंपनी एक्शन कंस्ट्रक्शंस इसमें आप, इस आप देखिए आज के दिन जीरो पॉइंट सेवेंटी सिक्स परसेंट की गिरावट देखने को मिली सिक्स मंथ में एक सौ नौ परसेंट का रिटर्न दिया साल भर में दो सौ ढाई सौ परसेंट का रिटर्न दे रही है और क्या चाहिए आपको अब आप देखो मैक्सिमम देखा जाए इकतालीस रुपये पे थी दो सौ छः रुपये में दोस्त दो हज़ार छः में आई थी इकतालीस रुपये लिस्ट थी और अब तक सबसे बड़ा रिटर्न दो हज़ार छः में जिसने भी एंटर किया हो सो तीन हज़ार मतलब तो पैसा आप खुद कैलकुलेट भी कर सकते हो कि कितना गुना बन गया होगा ठीक है आप अगर मैं इस कंपनी के बारे में बताऊं तो गईज देखिए नॉर्मली इस कंपनी के बारे में हमें क्या देखने को मिलता है कंस्ट्रक्शन है आप समझ गए हो गए ही नाम है इसका एंड ये रियल स्टेट से रिलेटेड होगी गेइस ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और मटेरियल हैंडलिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करती है ये कंपनी क्रेन्स फॉक क्लेवस रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और अदर हैवी मशीनरी का निर्माण भी करती दिया ए सीई का उद्देश्य है कंस्ट्रक्शंस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स के लिए एडवांस और हाई क्वालिटी इक्विपमेंट प्रदान कराना कहीं जैसा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एफिसंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ सके ए सीई e. के प्रोडक्ट्स इंक्लूड मोबाइल क्रेन्स टावर क्रीन्स क्रॉलर क्रेन्स एंड बैकहोल बैको लोडर्स कॉम्पैक्टर्स और भी अनेक प्रकार के हैवी मशीनरी हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एडवांस टेक्नोलॉजी और स्टिक क्वालिटी कंट्रोल के साथ इक्विपेड है जैसे कि उनका इक्विपमेंट रोबस्ट हो गया रिलायबल और सेफ है ए का इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रोड कंस्ट्रक्शन रियल अस्टेट्स माइनिंग और अदर इंडस्ट्रीज में वाइडली यूज होता है उनका इक्विपमेंट ड्यूरेबल और हाई परफॉर्मेंस होता है जिससे कि यूजर्स को रिलायबल और एफिशिएंट सॉल्यूशन मिलते हैं ओवरऑल देखा जाता है कि एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड एक प्रमुख प्लेयर है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री में जो कि हाई क्वालिटी एंड इनोवेटिव और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन प्रोवाइड करती है सो गाइज ये सारे स्टॉक थे आज की वीडियो में आई होप देखिए क्या कंपनी क्या क्या काम करती है क्या चार्ट है उसका क्या प्रॉफिट है क्या प्रमोटर होल्डिंग है मैंने आपको सब बता दिया एंड नाउ द लास्ट डिसीजन इज योर तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगी अगर आपको खुद से भी पढ़ना है खुद से भी चेक करना है यू कैन चेक बाय योर सेल्फ देन इन्वेस्टेड ऑन दिस दीज स्टॉक्स क्योंकि गाइस डेफिनेटली ये आपको आगे चल के मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर दे सकते हैं चार्ट में तो मैंने आपको दिखाई दिया है कि क्यों रीज़न है इसको देखने का इसको बाय करने का इसको स्टडी करने का बाकी गाइस मार्केट में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं शॉर्ट टर्म में टिकोगे तो प्रॉफिट नहीं होगा लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए टिक जाओगे तो गाइस ह्यूज रिटर्न कमाकर चले जाओगे मल्टीबैगर रिटर्न कमाकर चले जाओगे सो कभी भी आपको कुछ लगे पूछना है एंड आप चाहते हैं कि स्टॉक पर अच्छी वीडियो में लेकर आऊँ आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो डेफिनेटली आई विल श्योर मैं लेकर आऊँगी बस आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके लिए मैं इन स्टॉक्स पे थोड़ा ब्रीफली एनालाइज करके बताऊँ कि वो स्टॉक क्यों जरूरी है उसमें वो चीज़ें क्या काम करती हैं ठीक है बाकी कैसे मिलकर नेक्स्ट वीडियो में गुड थैंक यू